Good morning students. In the last video we discussed about the position time graph and now in this video we are going to discuss about velocity time graph. So, whenever we have to draw velocity time graph again along the time axis, uh, sorry, x axis we will represent the time and along the y axis we will represent the speed of the particle. Speed in meter per second. Now we have to consider again the following cases. First of all, we consider uniform motion. So, uniform motion means equal distances in equal intervals of time. Now, look, speed is what? Distance upon time. If equal distances are covered in equal intervals of time, it means speed of the Vehicle remains constant. It means at time one second, speed is say any value we can take. Speed is two meter per second. The time is changing, but speed will remain the same because the it is under uniform motion, or we can say the speed of the particle is constant. So time is changing. Time one second two. three, four, but the position, uh, velocity that will remain the same. So it is a straight line parallel to the time axis. Now, in the 4 seconds, suppose I consider area under the graph. हमने चार सेकंड्स तक इसकी मोशन को अध्ययन किया, four seconds तक. अब मैंने area under the graph consider किया. अब जो ग्राफ के अंडर एरिया आ रहा है हमारे पास एक्स एक्सिस के अलोंग एक तरफ हमारे पास वेलोसिटी है इस एक्सिस की तरफ टाइम है ये हमारे पास इधर वेलोसिटी रिप्रेजेंट हो रही है और ये एरिया ओ ए बी सी ये हमारा क्या बन रहा है रेक्टेंगल बन रहा है तो एरिया अंडर ग्राफ किसके इक्वल है इट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए बी सी अब रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इन द ग्राफ हमारे पास लेंथ किसके इक्वल है लेंथ इज इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड तो टाइम इनटू स्पीड हमारे पास किसके इक्वल है डिस्टेंस कवर्ड के इसका मतलब अगर हमारे पास कोई भी ग्राफ गिवन है स्पीड टाइम का ग्राफ और अगर हम उसका एरिया अंडर द ग्राफ कैलकुलेट कर लेते हैं तो दैट विल गिव अस द डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल। डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं बाय द एरिया अंडर द ग्राफ नाउ द नेक्स्ट केस वी आर गोइंग टू डिस्कस हेयर इज यूनिफॉर्म एक्सलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सलरेशन मीन्स एक्सेलेशन ऑफ द पार्टिकल रिमेन्स द सेम एक्सलेशन ऑफ पार्टिकल रिमेन सेम एक्सलेशन टाइमिफॉर्म एक्सलेशन का मतलब क्या है ए की वैल्यू क्या है कॉन्स्टेंट है इसका मतलब क्या है चेंज इन विलोसिटी भी क्या रहेगी कॉन्स्टेंट मतलब velocity तो होगी बट इक्वल अमाउंट से टाइम वन टाइम यहाँ पे वेलोसिटी वन सेकेंड में सपोज वेलोसिटी हमारे पास टू है फिर नेक्स्ट एक सेकेंड में वेलोसिटी फोर हो गई फिर नेक्स्ट एक सेकेंड में वेलोसिटी हो गई मींस जो चेंज इन वेलोसिटी है पहले टू का चेंज आया फिर टू का चेंज आया अब एट हो गई फिर टू का चेंज आया चेंज इन वेलोसिटी क्या रही कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्या रही कांस्टेंट और इसको हम क्या बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सलेशन तो यूनिफॉर्म एक्सलेशन के लिए अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें अगेन अलोंग एक्स एक्सिस पार्टिकल इन मीटर पर सेकेंड इज शोन नाउ द टाइम इंटरवल्स आर वन टू थ्री फोर एंड स्पीड को हमने ले लिया टू फोर सिक्स एट जो यूनिट्स है वो हमने यहाँ पे एक जगह पे ही हम मेंशन कर देते हैं नाउ व्हेन टाइम इज वन स्पीड इज टू टाइम इज टू स्पीड इज फोर इज थ्री स्पीड इज सिक्स फोर स्पीड इज एट तो हमारे पास ग्राफ कैसा आया इट इज अ स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड टू द एक्सिस नाउ इफ वी कंसिडर द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ This theta gives the slope of graph. Slope of graph means tan theta. Tan theta means perpendicular upon base. And from this graph, we can see perpendicular side gives the velocity, and base gives the time. Perpendicular side gives the velocity, it gives the time. And velocity upon time is what? Acceleration. It means. The slope of the graph, slope of the speed time graph gives us the acceleration of the particle. Now we are going to consider the next case which is uniform retardation. Uniform retardation means speed is decreasing by equal amounts in equal intervals of time. So, here we make... सिचुएशन ले लेते हैं टाइम और स्पीड सपोज जब इनिशियली टाइम जीरो है तो पार्टिकल की कुछ स्पीड है अगर पहले स्पीड होगी तभी वो डिक्रीज होएगी स्पीड रिटार्डेशन तभी होएगी सपोज वहीकल जा रहा है फाइव मीटर पर सेकेंड की स्पीड से और उसने ब्रेक लगा दी है और यूनिफॉर्मली स्पीड कम होते होते इट विल कम टू रेस्ट तो सपोज इनिशियली इसकी जो स्पीड है वो फाइव मीटर पर सेकेंड है एक सेकेंड के बाद स्पीड फोर हो गई फिर एक सेकेंड के बाद स्पीड थ्री हो गई इसका मतलब चेंज कितने का आ रहा है वन वन का तो रिटार्डेशन है कि स्पीड कम हो रही है और यूनिफॉर्म जो चेंज है वो उसमें आ रहा है फोर सेकेंड्स पे स्पीड वन हो गई और फाइव सेकेंड्स पे जाके जो पार्टिकल है वो रेस्ट पे आ जाएगा इसकी जो एग्जाम्पल होती है सपोज यूनिफॉर्म रिटार्डेशन की इफ एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड्स अगर हम ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं थ्रोन अपवर्ड्स तो पार्टिकल को हम एक स्पीड देके थ्रो करते हैं जैसे-जैसे पार्टिकल ऊपर जाता है अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है उसकी स्पीड जो है वो कम होती है और हाईएस्ट पॉइंट पे जाके जो स्पीड है वो ज़ीरो बन जाती है हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड जीरो होती है और उसके बाद वो पार्टिकल या ऑब्जेक्ट या बॉल नीचे आना स्टार्ट कर देता है तो जब अपवर्ड जाता है ऑब्जेक्ट तो उसकी एक्सेलरेशन नेगेटिव होती है और जब डाउनवर्ड आता है तो उसकी एक्सेलरेशन पॉजिटिव होती है हाईएस्ट पॉइंट पे जो स्पीड है वो ज़ीरो होती है पार्टिकल की उसके बाद जो डायरेक्शन चेंज हो के पार्टिकल नीचे की तरफ आना स्टार्ट कर देता है तो अगर हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें ग्राफ हम इसका ड्रॉ करते हैं टाइम इंटरवल टाइम हमने लिया वन टू थ्री फोर एंड फाइव और स्पीड भी हमारे पास ऐसे ही पॉइंट्स हैं इट्स वन टू थ्री फोर एंड फाइव यहाँ पे हमेशा हम मेंशन करेंगे ब्रैकेट में सेकंड्स जो यूनिट में हमने टाइम शो किया है यहाँ पे स्पीड इन मीटर पर सेकंड। अब इनिशियली जब टाइम जीरो है हमने बोला कि जो स्पीड है वो फाइव है ये हमारा फर्स्ट पॉइंट आ गया फिर जब टाइम वन है वन है तो स्पीड हमारी फोर है जब टाइम टू है टू स्पीड हमारी थ्री है फिर थ्री पे टाइम पे स्पीड टू देन वन फाइव पे आके स्पीड जीरो है तो हमारे पास ये ग्राफ इस तरीके का जो ग्राफ है इस केस में हमारे पास आएगा तो इन द डिफरेंट सिचुएशंस वी कैन ड्रॉ द ग्राफ नाउ इफ वी हैव द केस ऑफ यूनिफॉर्म

इक्वल अमाउंट से यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग का मतलब यूनिफॉर्म मतलब एक सा इंक्रीज थ्री पे एक्सलेशन थ्री होगी फोर पे एक्सलेशन फोर होगी अब ये तो एक्सलेशन की बात कर रहे हैं ग्राफ हमें बनाना है स्पीड का तो पहले एक्सलेशन वन की है इनिशियली अगर जीरो स्पीड है तो एक बढ़ गई स्पीड होगी वन मीटर पर सेकेंड फिर टू बढ़ गई मतलब थ्री बन गई स्पीड फिर थ्री बढ़ गई मीन स्पीड सिक्स हो गई फिर फोर बढ़ गई मीन स्पीड टेन हो गई तो आप इसको ट्राई करके देखना ये आपका जो ग्राफ है वो इस तरीके का आएगा और सिमिलरली यू शुड ट्राई इट फॉर यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग एक्सलेशन सो दीज वर द वेरियस ग्राफ्स फॉर द दर दिल स्पीड टाइम ग्राफ्स फॉर द Various cases. Thank you.